बीसीसीएल एचआरडी कार्यालय के समक्ष धरना। बीसीसीएल मुख्यालय के समक्ष चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के दौरान कंपनी के अप्रेंटिसों ने किया एचआरडी कार्यालय का घेराव। बीसीसीएल पर लगाया शोषण करने का आरोप, नियोजन नहीं मिलने तक बीसीसीएल मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना। आईआईटी अप्रेंटिसों ने बीसीसीएल और कोल इंडिया पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए आज बीसीसीएल के मानव संसाधन विभाग के महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव किया। इसमें काफ़ी संख्या में अप्रेंटिस युवक और युवती शामिल हुए और कोल इंडिया और बीसीसीएल के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। नियोजन की मांग को लेकर पिछले दो दिनों से बीसीसीएल मुख्यालय पर चल रहा धरना। आज कंपनी के एचआरडी जीएम ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान वक्ताओं ने कोल इंडिया और बीसीसीएल पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी उनका शोषण कर रही है, तभी तो पिछले दो सालों से अप्रेंटिस कराने के बाद भी अब तक नियोजन नहीं दे रही है, जबकि रेलवे ने अपने अप्रेंटिसों का नियोजन भी देने का काम किया है। वक्ताओं ने कहा कि अब जब तक उनको नियोजन नहीं मिलेगा तब तक उनका धरना जारी रहेगा। हम लोग विगत दो दिनों से कोयला भवन मुख्यालय धनबाद में धरना पे बैठे हुए हैं और आज हमारा कार्यक्रम था एचआरडी जीएम के खिलाफ, क्योंकि यही सबसे बड़ा विलन है, यही अप्रेंटिस को निकालती है। और किसी भी आज तक बीसीसीएल हो या कोल इंडिया कोई भी सब्सिडरी का अप्रेंटिस हो, उन्हें एक सिंगल व्यक्ति को भी रोजगार नहीं दिया। इन्होंने 7,000 रुपये में हम मजदूरों का शोषण किया है, हम लोगों को रोजगार के लिए तराही तराही हैं। आज इतने धूप में हमारी बहनें हमारे भाइयों यहाँ बैठे हुए हैं। बीसीसीएल प्रबंधन से हम निवेदन करेंगे, एचआरडी जीएम से हम निवेदन करेंगे कि वो हम लोगों को जल्द से जल्द तत्काल सुविधा के आधार पर हम लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाए, सीधी भर्ती के आधार पर रोजगार उपलब्ध करवाए, क्योंकि हम लोग यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। रेलवे ने भी अप्रेंटिस को बेनिफिट दिया और उन्होंने नियुक्ति करवा रही है। कोल इंडिया एक महारत्न कंपनी है, बीसीसीएल एक मिनी रत्न कंपनी है, पर इन्होंने बस हम लोगों का शोषण किया गया है। नाइट शिफ्ट ड्यूटी करवाया गया, कई लड़का तो इंजर्ड हो गए हैं, पर भी ये लोग होश में नहीं आ रहे। हम लोग ये लेके तीसरा आंदोलन कर रहे हैं, तब आखिरी आज हम लोग अनिश्चितकालीन पे बैठे हैं। या तो जेल भरिए या तो हमें रोजगार दीजिए, यही हमारा नारा है। हम नौकरी लेके रहेंगे। कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ से लोग आप लोग आए? हम लोग वेस्ट बंगाल में है, रहते हैं, आसनसोल से आए हैं। हमारा कहना है कि जब रेलवे में कर चुका है 20% कोटा, तो बीसीसीएल ऐसा क्यों कर रहा है, बीसीसीएल में क्यों नहीं होगा? अभी कोरोना का वजह से महामारी की वजह से कोई वैकेंसी भी नहीं निकलता है और होता भी नहीं है, तो बीसीसीएल ऐसा क्यों कर रहा है, कोई आके जवाब क्यों नहीं दे रहा है? मेरा ये, जब तक हम लोग को नौकरी नहीं मिलेगा हम ऐसे ही रहेंगे हम लोग।